तो दोस्तों फिर से मेघालय, और आज हम लोग जा रहे हैं द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया माउलिनोंग। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है बस, बट यस द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे दाउकी, जो कि फेमस है फॉर इट्स वेरी क्लियर रिवर वाटर। तो ये दो जगह हम लोग जाएंगे, और अब बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा कि वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, कहाँ रहना है और क्या करना है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी, और हम लोग सुबह करीब 8-9 o'clock को हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और करीब 3-3:30 बजे आई गेस हम लोग पहुँच जाएंगे माइलोलोंग। और आज आवर प्लान इस कि हम लोग आज वहीं पे होम स्टे में रहेंगे, और उसके बाद अगले दिन सो जाएंगे दाउकी। तो हम मैंने पहले ही बुक कर लिया है होम स्टे वहाँ पे रहने के लिए। आप लोगों को भी अगर आना हो तो आप लोग गूगल करके फ़ोन नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी, मतलब जहाँ पे मैं रहा हूँ उसका फ़ोन नंबर मैं दे दूँगा, उसको भी आप कॉल कर सकते हैं। वैसे टूर जेंटलमैन और करीब 1500-2000 में आपको वहाँ पर होम स्टे मिल जाएगा। और दोस्तों ट्रस्ट मी, रास्ते में जो नज़ारा सब देखने को मिलेगा, आप जगह जगह पर रुक के चारों तरफ का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। थोड़े देर रुक के आप स्नैक्स खा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, चारों तरफ खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा आपको देखने के लिए ऑन द वे। तो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम 4-5 hours वी हैव रीच द विलेज, दिस वंडरफुल विलेज। तो भाई मानना पड़ेगा यह जगह काफ़ी साफ़ है, और काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ मैं कि ये देख के कि इतने दूर दराज के एक छोटे से गांव में लोग सफाई को इतनी अहमियत देते हैं और अपने गांव को इतने साफ़ सुथरा रखा है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ इस जगह को देखने आते हैं और रहने के लिए आते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई स्टे ओवर नाइट हियर। शाम को यहाँ पर घूमेंगे टहलेंगे, रात को डिनर करेंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये इस छोटे से प्यारे से गांव में बहुत सारा होम स्टे है जहाँ पे आप लोग आके रह सकते हैं, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इस होम स्टे का, 1000-1200-1500-2000 rupees तक। और यहाँ पे काफ़ी सारा छोटा छोटा होम रेस्टोरेंट आउट से घर से लगाए हुआ रेस्टोरेंट सब है, जहाँ पे वो खाना बनाते हैं और आपको सर्व करते हैं। यू विल गेट टू ईट लोकल फूड हियर एज यू विश, जो आपको पसंद हो आप पूछ के समझ के आप लोग यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ में पास में एक लिविंग रूट ब्रिज भी है और एक बांग्लादेश व्यू पॉइंट भी है, जो आप जाके देख सकते हैं शाम को, शाम को। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात यह है कि इवनिंग को यहाँ पे आप होम स्टे में चेक इन करने के बाद आप निकल के आइए, रास्ते में टहलिए, घूमिए, वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। यस, मुझे ऐसा लगता है, मैं ठंडी के मौसम में आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ गर्मियों के दिन में काफ़ी गर्मी होती होगी। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू दिस प्लेस, यस कम ड्यूरिंग विंटर सीजन, यू विल एन्जॉय। तो आफ्टर स्पेंडिंग ए वंडरफुल इवनिंग एंड ए वंडरफुल नाइट, सुबह हो चुकी है और यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तो हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे दाउकी के लिए, और या वो जो सामने दिख रहा है वो हमारा, हम जहाँ पे रहे थे होम स्टे वही है, आदिश वन। और यहाँ से दाउकी करीब हमें लगेगा 1 hour, अराउंड 35 kilometers है यहाँ से। तो अब हमें निकलना होगा, और निकलने से पहले पेट पूजा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं दाउकी के लिए। तो आवर जर्नी फॉर दाउकी है स्टार्टेड अगेन, वही खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत व्यू,
और हाँ और थ्रू द जर्नी द रोड वॉज वेरी गुड, गाड़ी ड्राइव करते हुए मज़ा आता है इस रास्ते पे. तो इफ़ यू आर ए ड्राइविंग एंथुजियास्ट यू विल लव ड्राइविंग ऑन दिस रोड्स, कर्वी रोड्स. सो वील रीच दाउकी सून. हाँ और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई भी दाउकी आने के लिए प्लानिंग करते हैं तो इट्स बेटर टू स्टे एट दिस लवली विलेज रेदर देन स्टेइंग एट शिलोंग. हाँ एक दिन शिलोंग रह सकते हैं लौटते वक्त, बट यस यहाँ पे रहने से आपका एक एडवांटेज हो जाता है कि यू रीच दाउकी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वहाँ पे रश नहीं रहता, भीड़ नहीं रहता, और आप सुकून से जगह का खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं. तो ये रहा दाउकी का नज़ारा जो हम लोग रास्ते से फिल्मा रहे हैं. हमें नीचे उतर के जाना होगा और यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे बोट्स लगे हैं, इसी से चढ़ के हम लोग वाटर सर्फिंग करेंगे. और जो बोटिंग का रेट्स वगैरह है वो मैं ये स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, आप देख पाएंगे. एंड दे डोंट बार्गेन हियर, कोशिश कर लो लेकिन वो रेट कम नहीं करेंगे. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लियर वाटर बोटिंग एंड इट्स अ लवली मॉर्निंग, ब्राइट क्लियर मॉर्निंग. सो आई थिंक आई एम लकी दैट द वेदर इज़ सो प्लेजेंट टुडे. तो गए बोट पे और काफ़ी खूबसूरत जगह है ना, देख सकते हैं आप लोग. ग्रीन, चारों तरफ ग्रीनरी और पानी भी ग्रीन है, तो इट्स वेरी सूदिंग टू आईज एंड सूदिंग टू माइंड. और यहाँ का जो पानी है इट्स सो क्लियर, आपको ये पानी जब तक आप देखेंगे नहीं आपको यकीन नहीं होगा कि ये पानी सच में इतना क्लियर है. आपको देख के ही ये यकीन होगा कि ये पानी सच में इतना क्लियर है. इट्स वेरी क्लियर, मतलब अब समझ में आता है कि ये क्यों क्लियर वाटर, मतलब व्हाई दिस प्लेस इज़ फेमस. मैंने बहुत सारे जगह घूमे हैं अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में और एल्सवेयर इन इंडिया, बट यस क्लियर वाटर का मतलब ये देखो, ये पता चलता है क्लियर वाटर. एंड आवर और हमें बताया गया है कि ये कम से कम 10-12 फीट गहरा है, जो देखने में तो लगता नहीं है, लगता है 3-4 फीट गहरा, लेकिन या इट्स वेरी डीप. और हाँ यार मुझे नहाने को भी बहुत मन कर रहा है यहाँ पे, बट मैंने कपड़े नहीं लाए हैं तो मैं पानी में तो उतर नहीं सकता हूँ. लेकिन आप लोग कोई भी अगर आए तो ज़रूर से कपड़े लेके आए ताकि आप लोग इस पानी में उतर सको और इस क्लियर शीतल ठंडे और ठंडे पानी का मज़ा ले सको. इट्स अ लर्निंग फॉर मी, आई विल सर्टनली, मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो आई विल कम विद अ प्लान. और आप लोग हाँ यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन कैंपिंग तो आप लोग यहाँ पे कैंपिंग का भी सुविधा है. पहले से बुक कर लेना होगा आपको कैंपिंग कैंप्स वगैरह. तो भाई लोग एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ पे बरसात के मौसम में कभी मत आना, क्योंकि जब बरसात होती है तो ये पानी सारा गंदा हो जाता है और आपको मडी वाटर हो जाता है और आपको ये क्लियर वाटर देखने को नहीं मिलेगा. तो जब भी आप प्लान करते हो यहाँ आने के लिए तो आप लोग सितंबर से लेके अप्रैल तक आ सकते हो, उसके बाद जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो ये क्लियर वाटर आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड. तो इसीलिए प्लान अकॉर्डिंगली कि आप गर्मियों में या बरसात के समय में यहाँ पे ना आए. हाँ तो और एक ज़रूरी बात बोल देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आइए, रहिए, घूमिए, एंजॉय करिए, बट प्लीज़ इस जगह को गंदा मत करिएगा. अगर आपको यहाँ पे गंद मचाने को है तो प्लीज़ डोंट कम टू दिस प्लेस, दिस इज़ नॉट द प्लेस यू नीड टू विजिट. बी ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, जहाँ पे भी जाओ उस जगह के लोगों को, उस जगह के कल्चर को, उस जगह के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो. और बींग ए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि गंद मत मचाना, जगह को गंदा मत करना.
सो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी बैक होम। और आते वक्त हम लोग यहाँ निकले, दो रास्ते हैं, एक शिलोंग होके, तो आते वक्त हम लोग शिलोंग होके आए थे और लौटते वक्त हम लोग जुआई होके लौट रहे हैं। तो दोनों तरफ के रास्ते हम लोग कवर कर लिए और बिलीव मी यहाँ पे भी उतनी ही खूबसूरती है जितने कि हम लोग आते वक्त शिलोंग के रास्ते से हम लोग को देखने को मिला था, यहाँ पे भी उतनी ही खूबसूरती है। तो आप लोग भी अगर आए तो एक पूरा चक्कर लगा लीजिए, ताकि मतलब दोनों तरफ का नज़ारा और दोनों तरफ के जगह सबको आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जर्नी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, वी एन्जॉयड ए लॉट। एक छोटा सा वीकेंड था, दो दिन का छुट्टी था, तो हम सोचे चलिए घूम के आते हैं। एंड या इट वाज वेरी नाइस कि हम लोग यहाँ पे घूमें, ये जगह देखें। और इस जर्नी से मुझे और एक चीज़ बार बार ख्याल में आ रहा है कि जितना खूबसूरत हमारा डेस्टिनेशन था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हमारा जर्नी था। द रूट्स, द सीनिक ब्यूटी ऑल ओवर द प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल दैट वी नेवर फेल्ट लाइक कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। वी एन्जॉयड द होल जर्नी। तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, आप लोग भी आइए घूमिए, काफ़ी जगह अच्छा है। तो वीडियो समाप्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना।